दीजिए, मुझे बहुत चुभेगा आप कुछ टाइम तक, जब तक ये पेंट नहीं होते। ये वही एलॉय है जिस पे सबसे ज़्यादा स्क्रैचेज आए हैं भाई। गाड़ी पूरी चमक गई, वापस ले आया राहुल जी के पास। जितना कबाड़ था बेचते हुए सारा कूड़ा कचरा ना करवा दिया, फेंकवा दिया, खत्म। गाइस एक चीज़ देखो, मैंने सोचा था आज धोऊंगा गाड़ी, लेकिन भैया ने तो पहले ही धो दी, सुबह आए थे ना, अब पीछे जो भी कीचड़ था वो सब था सब निकाल दिया है। कोई नहीं, लेकिन अंदर से साफ नहीं हुई है तो जाना पड़ेगा, कराएंगे इसको साथ। अभी चलते हैं थोड़ी देर में। गाइस ये है गाड़ी की हालत, भैया ने तो अच्छे से थोड़ी बहुत तो साफ कर दी है, बाकी कीचड़ वीचड़ थोड़ा बहुत देखो अंदर पूरा है। और ये जो स्कफ निशान है ये तो नहीं जाएंगे, जो रगड़ लगी थी। कोई नहीं, अलॉय तो वापस पेंट हो जाएगा, बाकी से मेजर कोई डेंट वेंट कुछ भी नहीं है इस पर। बाकी भैया की ये मिल गई मेरे को, वो जो क्रेन की कुंडी फंसाने वाली थी ना वो रह गई थी गाड़ी में ही। चलो कभी मिले तो दे देंगे, नहीं तो भैया अगर देख रहे हो तो मेरे पास है आपकी कुंडी, ढूंढ रहे होगे तो। ताकि ये मटचे ना ये भी हो गया था, इस पर पॉलिश वॉलिश लग जाएगी तो सारा सही हो जाएगा। इंटीरियर दिखाऊंगा तो मैं तो तुम और चौंक जाओगे। ये भैया है इंटीरियर अभी कीचड़ यार, ऑफ रोडिंग करिए तो कीचड़ तो उड़ेगा ही। चलो इसको अब जाए थोड़ा वॉश करवाए। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बाकी आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को पीदद्दो को वॉश करवाने। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी गंदी कैसे हो गई है, तो कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना, मैं आई बटन में दे दूंगा। वैसे फिलहाल तो अभी तक मैं एडिटिंग ही कर रहा हूँ उस व्लॉग की, पर जब ये व्लॉग आप देख रहे होगे तब तक तो वो आ ही गया होगा। तो आप तब तक आराम से देखना उस व्लॉग को कि हमने क्या क्या किया इसके साथ। तो अब भाई इतना कुछ किया है तो केयर तो करनी पड़ेगी ना। तो भाई अब धुलवाने जा रहे हैं इसको, एकदम वॉश वॉश करा के चकाचक एकदम क्लीन कराएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गंदी है। अरे उसकी रस्सी पड़ी है यार, बेचारे ने अपनी हंटर की रस्सी भी खोली थी जो आगे बांध के रखता है। कोई बात नहीं, ये भी दे देंगे भैया को अपने। चलो फिर निकलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ अब सेटिस्फाइंग एकदम वो होता है ना ASMR वाला वॉश वीडियो, इन्जॉय करना। तो भाई हम आ गए अपनी गाड़ी लेके फिर से रावत ऑटो पार्ट्स। चलो मेरी बहन भी आई है। रावत जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया। वीडियो यार, अरे शेको चलो यार करवा दो, मैंने तो देख के डर जाओगे आप क्या क्या किया कल मैंने इसके साथ। जी चला रहे हमारी गाड़ी, लेके जा रहे हैं जरा धुलवाने के लिए। वैसे कैसे लगती है स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो परफेक्ट है, अच्छी है ना। चलो अभी लेके जाएं धुलवा धुलवा के आपको फिर दिखाते हैं, सारा साफ हो जाएगा, पॉलिश वॉलिश लगा देंगे इस पर। शीशा भी अभी तक गंदा पड़ा है इसका, फिर निकाल लिए सब, वॉशिंग अपनी करेंगे। यार कीचड़ सूखा सूखा ही था ऊपर से, उठ ही गया इतना कीचड़। ये है अभी मेरा फरीदाबाद का कीचड़ और निकलेगा इसमें से, चल चमका देंगे भैया। भाई ये कार जो वॉश हो रही है रावत जी, मतलब मेन जो है वो तो कहीं से भी करा देते हैं, सारे कनेक्शन हैं उनके, मेन उनके पास आओ सारी जगह ले जाएंगे। अभी जो धुलवा रहे हैं गाड़ी हम यहाँ धुलवा रहे हैं, ये भैया की शॉप है कार वॉश के लिए, पूरा इनका एरिया बना हुआ है, सब कुछ है यार जमरूदपुर में, स्पेयर पार्ट्स की शॉप ये वो एवरीथिंग। ये है भैया की शॉप बाकी, जहाँ पर कार वॉश होगी। भाई बहुत रीजनेबल वॉश है ये। अब फोम धुलते हुए
सही है भाई। सारा कीचड़ निकालते हुए नीचे देख रहे, पूरा कीचड़ गिरता जा रहा है। भैया भी आ गए हाथ धोने के लिए, जितना कीचड़ था ना व्हील आते थे सब निकल रहा है भाई अंदर से। गाइस वॉश हो चुकी है और अब यहाँ ड्राई करेंगे अच्छी तरह से, और ये करनी शुरू कर दी हेड ड्राई। तो अभी हम देख लेते हैं ये क्या कर रहे हैं। यहाँ से ये ब्रश करके इसे सब साफ कर रहे हैं, सारी मिट्टी वगैरह सब साफ कर रहे हैं। और अब आपको आगे दिखा रहे थे, देखिए कितना पानी हमने वेस्ट करा है। और ये रहा देखे देखे। ये मुझे बहुत चुभेगा आप कुछ टाइम तक, जब तक ये पेंट नहीं होते ये। और कोई बात नहीं, ये भी टूट गया था और ये रहा प्लास्टिक पार्ट है, बाकी पूरा टूट गया है। ये जैसे थोड़ा सा उखड़ गया है, फिट कर देंगे इसको, क्या है तो बाकी नया आ जाएगा। ये तो सस्ते ही होते हैं बहुत, ये साफ हो गई ना एंड बड़ी कुछ सारी ये जो फीचर था सब निकल गया, अब क्लियर क्यों होता है। तो बिल्कुल दुकान के आगे लगा के सफाई हो रही है। निशान ऑटो वर्क्स कार डिटेलिंग एंड सर्विस, सही है भाई अंदर से अच्छा बना रखा है। फीचर देना चाहिए, देख रहे हो वो सीट पूरी फोल्ड हो जाती है, ये सीट ऐसी रहती है, ये भी हो जाती है पूरी, आराम से सब कुछ साफ कर सकते हैं। मैट वैट भी फिट हो जाते, डिक्की भी पूरी साफ हो गई, यहाँ तो कुछ नहीं लगा था, यहीं था जो बाकी लगा था, साफ कर रहे हैं भाई। भाई चमक गया, सारी पॉलिश वॉलिश लग गई, पूरा शाइनी एकदम। अब लग रही है ना, वहाँ पता लग रहा था नहीं लेके आ रहा है। देखो मैट की सारी मिट्टी निकल दी यार, नाम पढ़ा जा रहा है, नाम ही नहीं पढ़ा जा रहा था कि कौन सा मैट लगा रखा है इस पर। देखो अब चमक रहा है वापस, खींचे भी देखो बढ़िया हो गया। जिस हिसाब से रबड़ वगैरह सब शाइन मार रहा है टायर वगैरह, वही वो डायलॉग नहीं था सोली गेंद सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाला सीन हो रहा है। यार ये रबड़ पार्ट्स तो ऐसे काले बने रहे ना, कितना अच्छा लगता है भाई। गाड़ी पूरी चमक गई, वापस ले आया राहुल जी के पास, अपने हिसाब से मैट फिट कर लेंगे हम। थोड़ी सी धूप लगे, ये सब सूख जाए अच्छे से, फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मिट्टी अभी बैठ जाएगी ना, वरना शाइन देख रहे हो। हाँ सारे कारपेट डलवाया, पूरा अंदर से कवर है, अंडर बॉडी कारपेट से आवाज नहीं आती ना कंकड़ों की। अच्छा मतलब बलिनों में और उसमें प्लास्टिक लगा होता तो पट 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 बचते हैं। ये कारपेट दे रखा है, यही तो अच्छा किया महिंद्रा ने, ले ले आगे पीछे सारा कारपेट कवर है यार, ये नहीं देखा तुमने। चलो गाइस हमारा काम हो गया, अब निकल रहे टाटा टाटा टेक केयर। या या शो 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 आपको भी काम कराना हो, नंबर आपको दिखा दिया है यार, तो बंदा इधर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब करवा देंगे आपको, सब नॉलेज है इनको। चलो फिर निकलते हैं आपसे। चलो भी गाड़ी धुल गई और यहाँ से हम निकल रहे हैं, अब आराम आराम से चलते हैं घर को। घर को क्या, अभी तो जिम जाना है, जिम जाना है ना हमने। ये ट्रेन कराएगी मेरे को, मेरी पर्सनल ट्रेनर है, हमने पैसा लगा के पहले इसको सिखाया, कोर्स वोर्स कराया, अब ये हमें ट्रेन करेगी। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, पैसे ना देने पड़ेंगे। अच्छा है ना, एक ही बार में पर्सनल कोच मिल गया अब हमेशा के लिए अपना। चलो जिम जाते हैं, तुम्हें थोड़ा वर्कआउट मोटिवेशन देते हैं। वो पिक्चर में डायलॉग नहीं था, नहा धो के बड़ी नहाई धोई सी लग रही है। बढ़िया हो गया, चलो। तो गाइस जिम वगैरह कर लिया, अभी यूरिका ने बताया मेरी बहन ने कि वो ना यूट्यूब में आपने बहुत देखा होगा कि वो हड्डियां चटकाने वाले डॉक्टर क्या कहते हैं उन्हें, क्रायो काय कायरोप्रैक्टर, कैसे कहते हैं, कायरोप्रैक्टर ये करने वाले। मैं जाके देखना चाहता हूँ कि मेरे को भी ना, अगर तुम्हें पता नहीं है तो स्लिप डिस्क है वैसे L4 L5 S1 करके, तो बहुत टाइम से है, मैं देखूँ वो भी क्या कहते हैं, फिर तुम भी देखना मुझे, अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो तोड़ देंगे वो, बाकी अगर जुड़ गया तो बड़ी अच्छी बात है। चलो देखे
नेक पेन भी ट्रैवल करता है कभी 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 होता है और मेरे शोल्डर्स ना क्रैक करते हैं जब भी मैं रोटेट करता हूँ बहुत शिट रहते हैं नी स्ट्रेट तक भी एब्डोमेन तो ठीक हो गया तीन चार बार आवाज आई थी टक 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 यू आर ओके नाउ चले अपनी धनुष के पास आ गए और निकलते हैं घर को क्या लगा तेरे को वैसे भाई मेरा मतलब पहले से काफी बेटर है जो कल वाली हालत थी उससे अरे भाई इसको पता नहीं ये तो रिलैक्स हो नहीं पा रही थी मैं तो फुल रिलैक्स हो गया मेरे को तोड़ते ही जा रहे अरे तो यार उन्होंने कल तो आया नहीं कल जो पापा आए थे ना पापा हंस रहे थे मेरी मतलब जैसे आवाजें निकल रही थी ना बैग से पूरी पूरी बैग छोड़ पूरी बॉडी से मतलब ऐसे बहुत थोड़ा ऐसे करके आवाज निकल रही अब ये तो मैं आवाज सुनाई देगी नहीं देगी वो तो मुझे पता नहीं लेकिन मुझे भय आई जैसे जैसे मोड़ते गए तोड़ते गए कट 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 इसलिए बहुत कम आवाज समझ आएगी मेरा मैट पे किया था और इतनी जोर से पूरे रूम में आवाज गूंज रही थी ना पूछ मत अच्छा गाइस नहीं बंदा अच्छा था यार एक्सपीरियंस था पूरा अब देखते हैं अभी मुझे आगे जाके पूरे दिन जब खत्म होगा ना तो पता चलेगा कि कैसा है अभी तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हल्का हल्का हवा में उड़ रहा हूँ मैं अब बाद में पता चलेगा थोड़ा बॉडी नॉर्मल हो जाए डॉग लीश थेरेपी चलो घर निकलते हैं अभी देख रहे हो गाइस कितना कचरा इकट्ठा हो जाता है घर पे अगर ध्यान नहीं दो तो सब घर में इधर उधर पड़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही डिसाइड किया फेंकवाना है ये सब इतना सारा इकट्ठा हो गया चेक कर लिया करो कभी कभी साल में एक बारी चलो गाइस फाइनली घर आ गए अब गाड़ी पार्क कर ले आज काम करते करते यार भूल ही गए ब्लॉग भी बन रहा था मेरे को याद आया मैं ब्लॉग तो एंड कर दे यार अभी गाड़ी लगाते हैं ऊपर चलते हैं भाई तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूरी है करना यार प्लीज कर देना बाकी और को ही करते रहेंगे अब ऑफ रोडिंग थोड़ा इधर नहीं करूँगा ट्राई करेंगे कहीं अच्छी जगह जाके करना अरे भैया बोलने दे तो हाँ तो मैं कह रहा था अभी ऑफ रोडिंग वगैरह इधर ट्राई नहीं करेंगे कहीं अच्छी जगह जाएंगे हाँ देखेंगे नहीं तो फिर जर्नी करते हैं अभी ऊपर की तरफ नॉर्थ में चलेंगे थोड़ा माउंटेन्स वगैरह रेंज वगैरह जहाँ के लिए थोड़ा ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी बनी वहाँ करेंगे ना बाकी आपको पता है आगे क्या करना है लाइक करके जाना है कमेंट ज़रूर करना अपना फेवरेट पार्ट बाकी जो मुझे तोड़ा मोड़ा है अभी मेरी जो लोअर बैक है ना उस पर गुदगुदी सी महसूस हो रही है दर्द तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो ठीक है फिलहाल बाकी उन्होंने बोला परसों एक बार आके देखना आपकी बॉडी की अलाइनमेंट फिर कैसी है उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे तो मैं भी आके वही बताऊँगा तब तक आप सब्सक्राइब कर दो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ उन्होंने मेरे साथ और क्या क्या किया चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में चल दें ध्यान रखना अपना पीस